तो उसके बाद आपका कोई भी टोल प्लाजा टैक्स नहीं लगेगा, आप वहां से निकल सकते हैं। पर भीड़ लग जाती है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है कि हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग टीफोन न्यूज़। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां आप लोगों को रेगुलर जो वाहन चालक हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनकी गाड़ी में फास्टैग वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उनके लिए एक बड़ी जानकारी है। और जो ये जानकारी आप नहीं सुनेंगे तो शायद इसका खामियाजा आपको भरना ही पड़ेगा, और भर भी चुके होंगे। बड़ी बात देखने को मिल पा रही है कि रोड टैक्स को लेकर के सरकार ने एक फिर से रोड टैक्स का जो रेट था वो बढ़ा दिया है। बढ़ाने को लेकर के जहां 45 लगा करता था वहां 60 रुपये लगेगा, जहां 15 लगता था वहां 25 लगेगा, यानी कि हर जगह का जो रेट था वो बढ़ गया है। टोल प्लाजा को लेकर के हमेशा टोल टैक्स आप लोग देते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो टोल टैक्स है वो अब रेट बढ़ने के साथ साथ जो भी वाहन में फास्टैग नहीं होगा वो फास्टैग का डबल चार्ज लगेगा। यानी कि अगर किसी का 40 है तो अगर फास्टैग आपके पास नहीं है तो उससे दुगना चार्ज यानी कि 80 रुपये लगने वाले हैं, और लग भी रहे हैं। जहां आप लोगों को इस खबर से अवगत करवाएंगे, इस टाइम पर मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत सोनबरसा टोल प्लाजा पर खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ पर भारी वाहन आ रहे और छोटे वाहन भी आ रहे। यहाँ एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग 1, 2, 3, 4 करके 4 से 5 कैंपस बने हुए, जहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और टोल टैक्स कट रहा है। ज़्यादातर वाहनों में देखा जाता है कि फास्टैग है, फास्टैग के माध्यम से ही दूर से भी वाहन अगर निकल रहा है तो यहाँ पर एक ऐसा वाईफाई का सिस्टम है कि आप कहीं से भी निकल जाओ, आपका फास्टैग के ज़रिए 100% पैसा कटने ही वाला है। आप चाहे दाएँ से जाएँ या बाएँ से जाएँ, यहाँ पर कोई भी वाहन अगर निकलेगा तो आप याद रखिए कि अगर फास्टैग लगा हुआ है तो बच के नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि दुर्दशा इस बात की होती है कि अगर ये सिटी है तो ठीक है, इस सिटी में कुछ ऐसी भी है खामियाजा जिसको भरना पड़ रहा है कि रोड सिंगरौली से जो आता है और सिंगरौली से इस आने वाले रूट पर जैसे आप सीधी ज़िले पर आप पहुँचते हैं, और सीधी ज़िला जैसे ही मार्केट की अगर बात करो उसके बाद जब रिवर रोड पर आते हैं तो आपको एक टनल भी देखने को मिलता है। इस टनल का भी रेट इसी में जोड़ दिया गया है। क्या पूरा रेट है, पूरे रेट सूची से अब हम आपको अवगत करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 12-12 हज़ार रुपये तक, 12.5 हज़ार रुपये तक यहाँ तक कि महीने का लोग टैक्स भर रहे हैं, वो भी तब भरेंगे जब फास्टैग के माध्यम से ये पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग इसका फास्टैग के माध्यम से अगर आप पैसे आप नहीं भर रहे, इससे ज़्यादा अगर भर रहे हैं तो ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा लगने वाला है। डबल मतलब मैं बता चुका हूँ, अगर 12.5 तो आप समझिएगा कि 25,000 रुपये तक आपका टैक्स लग सकता है। रोड टैक्स की अगर बात करूँ तो ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल्स, और उसके द्वारा जो ये जारी किया गया है फ्री प्लाजा सोनबरसा सीधी NH39 यूज़र फी, और यहाँ पर जो है ये 21/1/2023 से देखा जा रहा है कि ये रूल आया है, यानी कि ये पारित हुआ कि इनका जो रेट है, आदेश जो है कि रेट जो इनका है वो बढ़ चुका है। जहां आपको हम दिखाएंगे कि कार, जीप, वैन और लाइट व्हीकल्स जो भी हैं, कार, जीप, वैन, उनका सिंगल जर्नी का 60 रुपये लगने वाला है, और रिटर्न अगर आ रहे हैं तो 85, यानी कि अप और डाउन 24 घंटे के अंदर अगर आपका हो रहा है तो 85 रुपीज़ यानी कि 85 रुपये लगने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि कमर्शियल व्हीकल्स अगर मंथली पास अगर बना हुआ है तो 50 रुपये यहाँ पर फॉर टिप्स यानी कि 50 रुपये प्रति टिप्स के हिसाब से 1990 रुपये तक आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। कमर्शियल व्हीकल 1940 रुपये जो आपको देने पड़ेंगे, 1940 रुपये के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा आप मार रहे हैं फिर भी 50 रुपये टिप्स आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बात करूँगा लाइट कमर्शियल यानी कि हल्के वाणिज्यिक वाहन जो भी है उनको 95 रुपये जो है तो ये आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि 95 रुपये जर्नी का फर्स्ट यानी कि सिंगल का। और वहीं अगर आपको डबल जाना है तो 140 रुपये लगने वाले 140, और अगर बात करूं कि मासिक तो लगने वाले हैं 3,130 रुपये यानी कि 3,130 रुपीज़ आपका महीने का लगने वाला है।
वहीं आपको बता दूं कि बस या ट्रक जो भी है, ये दो एक्सल जो है उनका लगने वाला है 195 रुपीज़, जो कि लग ही रहा है, लगातार लग रहा है। और इसके बाद आप अगर रिटर्निंग का भी है तो 295 रुपीज़ लग रहा है। और यही अगर आप मासिक की बात करें तो 6560 रुपीज़ टोटल लगने वाला है। और इसके साथ ही हम और आगे चलेंगे तो आपको बता दें कि 3XL वाणिज्यिक वाहन जो 3XL में है उनका जो चार्ज है वो भी लगने वाला है 215, यानी कि 215 रुपीज़। और वहीं इसके बाद अगर रिटर्निंग का भी अगर हम देखें अप डाउन दोनों का, तो 320 रुपये लगने वाला है जो 24 घंटे के अंदर आप क्रॉस करते हैं। तो वहीं अगर मासिक की बात करूं तो 7160 रुपीज़ लगने वाले, यानी कि 7160 रुपये। वहीं हम बात करेंगे कि भारी वाणिज्यिक यानी कि ट्रक 4 to 6XL जो हैं, यानी कि 4 to 6XL वाले जितने वाहन हैं उनका जो चार्ज होगा वो 310 रुपये से लेकर के 465 रुपये तक लगने वाला है। और अगर बात करूं कि रिटर्निंग का है 465 रुपये, इसके बाद अगर मंथली की बात करेंगे तो 10,290 रुपये लगेगा। और वहीं अब अगर मैं सबसे बड़ी बात अतिरिक्त आकार के वाहन, यानी कि जैसे ट्रेलर वगैरह हैं जिनके 7 से अधिक XL है, 7 या 7 से अधिक XL का 375 रुपये ये फर्स्ट यानी कि सिंगल का लगने वाला है। और वहीं देखने को मिलेगा कि रिटर्निंग का भी अगर जोड़िएगा तो 565 रुपये लगने वाला है। और अगर इससे ज़्यादा यानी कि आप मासिक का अगर आप शुल्क देना चाहते हैं तो देखा जा रहा है कि 12,525 रुपये लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त रियायतें केवल फास्टैग के माध्यम से ही जारी की जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि नॉन फास्टैग से हम निकल जाएं तो दुगना राशि आपको चुकाना पड़ेगा, यानी कि अगर 60 है तो 125 है, तो पकड़िएगा कि कम से कम 190 रुपये। और वहीं मतलब जितना भी है टोटल डबल लगने वाला है। तो रही बात कि आपको टोल प्लाजा की खबरें आपको देना, और लगातार ये जो है 21 तारीख से आया, खेद मुझे इस बात का है कि मैं 2-3 दिन बाद आपको खबरें देखने को मिल पा रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो देखने को मिल पा रहा है रोटैक्स को लेकर के, तो ये टोल टैक्स लगातार दिया जा रहा और लोगों के द्वारा दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपसे लेगी नहीं तो सुविधा बनाएगी कैसे। वहीं मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जो पीली लाइन होती है इस टोल प्लाजा की, जो कि लगभग ये रेखा बनाई गई है, अगर टोल प्लाजा के अंतर्गत अगर पीली लाइट तक अगर कहीं भी किसी भी टोल प्लाजा में अगर आप मौजूद हैं, अगर वहाँ तक वाहन कतार में लग चुका है तो उसके बाद आपका कोई भी टोल प्लाजा टैक्स नहीं लगेगा, आप वहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि गलतियाँ ये जो है टोल प्लाजा की है कि वहाँ तक जाम लगा हुआ है या फास्टैग वो काम नहीं कर रहा उसका, या वाकई में अगर देखा जाए तो मतलब हो सकता है कि वो उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो ठीक तरीके से काम ना कर पाएं, जिसकी वजह से लाइन पर भीड़ लग जाती है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है कि फिर आपका अगर पीली लाइन तक अगर कहीं जाम लग जाता है तो आपका टोल टैक्स नहीं लगता। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर और भी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रोड टैक्स तो बढ़ चुका है, महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, जहां 40 लगता था वहां 80 लगेगा, जहां 80 लगता था वहां सोचिए 160 लगेगा। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात यह कि सीधी से महज ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में ये सुनबरसा टोल प्लाजा पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की देखी जा रही कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो नज़दीक हैं, उनका क्या होगा। वो तो हर बार अगर इस तरीके से देंगे तो लूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन लगातार आप बने रहिए, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे वो इस टैक्स से बच सकते हैं, या फिर उनका जो मासिक होगा तो क्या और भी घटे या बढ़ सकता है या नहीं, जो पास के हैं उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी, सारी चीज़ें जानेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहते हैं तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।